टेस्ट क्लास। गणित में हम लोग देखेंगे कि एक चर का रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है। रैखिक समीकरण से तो आप परिचित हैं कि अगर चर का महत्तम घात एक है तो वह समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि एक चार एक्स प्लस पांच बराबर तेरह आपके सामने बोर्ड पर एक प्रश्न है। चार एक्स प्लस पांच बराबर तेरह अब इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का अर्थ है कि एक्स का कौन सा मान समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो x का ये मान ज्ञात करने के लिए पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि समीकरण के दोनों पक्षों से समान संख्या को घटाने पर या दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर या दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करने पर या दोनों पक्षों को समान संख्या से भाग करने पर समीकरण का मान प्रभावित नहीं होता है। तो इन्हीं सारी नियमों का हम इस्तेमाल करते हैं समीकरण को हल करने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं कि चार एक्स प्लस पांच बराबर तेरह तो बायां पक्ष में दो पद है चार एक्स प्लस पांच। अब इस दो पद में हम देख रहे हैं इसका प्रथम पद है चार एक्स, इसमें एक्स में चार से गुणा और प्रथम पद में पांच जोड़ा गया है। तो चार एक्स में पांच जोड़ने पर ये तेरह के बराबर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पांच जो है जोड़ के रूप में शामिल है इसमें, तो पहले पांच को हटाना और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष से पांच घटाएं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों से पांच घटाने चार एक्स प्लस पांच माइनस पांच बराबर तेरह माइनस पांच। और जैसा कि हम देख रहे हैं बायां पक्ष में
प्लस पांच और माइनस पांच, तो एक धन है और एक ऋण है। ये प्लस पांच और माइनस पांच का योग शून्य हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे चार एक्स बराबर, और तेरह से पांच घटा देंगे बचेगा आठ। अब समीकरण का रूप हो गया चार एक्स बराबर आठ, ठीक है। तो अब एक्स में चार से गुना है, एक्स का चौगुना है और ये बराबर होता है आठ के। तो अब इसके लिए उपाय है कि गुना को समाप्त करने के लिए समीकरण के दोनों पक्ष में समान राशि से भाग की क्रिया करेंगे। और लिखते हैं कि दोनों पक्षों में चार से भाग करने पर चार एक्स भागा चार बराबर आठ भागा चार, तो चार से चार में एक मतलब भाग लग जाएगा, चार एकम चार और आठ में चार से भाग देंगे चार दुनी आठ। तो अब समीकरण का रूप हो गया एक्स बराबर दो, यही एक्स बराबर दो जो है ये समीकरण का हल होगा। एक्स के जगह पर अगर हम बायां पक्ष में दो रखते हैं तो चार गुना हो जाएगा दो, चार दुनी आठ और प्लस पांच, आठ में पांच जोड़ेंगे हो जाएगा तेरह। तो इस तरह से ये एक चर का रैखिक समीकरण हल किया जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। चार एक्स माइनस छ बराबर दो, आपके सामने एक प्रश्न है चार एक्स माइनस छ बराबर दो, अब इसको कैसे हल करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि समीकरण के बायां पक्ष में दो पद है, एक पद है चार एक्स और दूसरा पद है माइनस छ। तो चार एक्स में छेद हटाने पर हमको दो प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है एक्स के चौगुना में छेद हटाया जाता है, तो एक्स के चौगुना से छेद हटाने पर हमको दो प्राप्त हो रहा है। अब एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और लिखेंगे के समीकरण के दोनों
पक्षों में छेद जोड़ने चार एक्स माइनस छ प्लस छ दाया पक्ष में जोड़िए छ दो छ अब देखिए समीकरण का रूप हो गया चार एक्स माइनस छ प्लस छ बराबर दो प्लस छ तो छ जो है ऋण है और दूसरा वाला छ जो है धन है। अब ऋण छ और धन छ का योग हो जाएगा शून्य, इसका रूप हो जाएगा चार एक्स बराबर आठ। ठीक है, अब समीकरण का रूप हो गया चार एक्स बराबर आठ। और फिर चार एक्स में गुणा के रूप में शामिल है। अब इसको समाप्त करने के लिए पहले की तरह फिर क्या करेंगे, अब इसमें चार से भाग करेंगे। तो बायां पक्ष में भी चार से भाग करना होगा और दायां पक्ष में भी चार से भाग करना होगा। अब लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में चार से भाग करने पर चार एक्स भागा चार बराबर आठ भागा चार, चार से भाग लगेगा चार में एक मात्र रूप चार कम चार चार कम चार और आठ में भाग लगेगा चार से दो मात्र रूप चार कम चार चार में आठ। अब हमको प्राप्त होता है इसीलिए x बराबर दो। अब समीकरण में x का मान दो प्राप्त हो गया, यही जो है समीकरण का हल हो गया। कहने का अर्थ है कि समीकरण में x के जगह पर अगर दो बैठाते हैं तो हो जाएगा चार दुनी आठ माइनस छ, आठ में से छ घटाएंगे हमको अंतर प्राप्त होगा दो। तो ये बायां पक्ष जो है माने x बराबर जब दो रखेंगे तो बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। अब एक और उदाहरण देखते हैं, अब प्रश्न है एक्स योग चार भागा दो बराबर पांच, रैखिक समीकरण है एक चर का है, कैसे हल करेंगे अब इसको देखते हैं। बायां पक्ष में देखिए x के दुगुना में चार जोड़ा गया और x के दुगुना में चार जोड़ कर भाग है दो से। तो पहले सबसे पहले ये भागा दो है इसको समाप्त करेंगे। तो इसको समाप्त करने के लिए समीकरण के दोनों पक्ष को दो से गुणा करना होगा। समीकरण के
दो से समीकरण का रूप हो जाएगा दो एक्स दो चार भागा दो गुना दो बराबर पांच दो या अब दो से दो कट जाएगा हो जाएगा दो एक्स दो चार बराबर पांच दो दस। अब चार जो है बाया पक्ष में एक्स के दुगुना में जोग के रूप में है, तो अब फिर चार को हटाने के लिए अब समीकरण के दोनों पक्ष से चार घटाना है, लिखेंगे फिर दोनों पक्षों से चार घटाने दू एक्स जो चार माइनस चार बराबर दस माइनस चार या अब चार फल है और दूसरा चार ऋण है जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा दू एक्स बराबर दस में से चार घटा कर दो छः फिर दोनों पक्षों में दो से आठ करने पर दू एक्स भागा दू बराबर छ भागा दू से ऊपर जाएगा छक्स बराबर तीन। यही तीन जो है समीकरण का फल प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जो दिक्कत हो उसको जो है सर के व्हाट्सएप नंबर पर या उनके मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसका समाधान जो है दूसरे दिन किया जाए।